हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। मम्मा यहाँ पे बनी हुई हैं, शेफ़ पराठे वाली बनी हुई हैं फ़िलहाल। तो मम्मा यहाँ पे देखिए पराठा बना रही हैं मम्मा। और अभी आज क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा कि आज क्या है। तो मैंने सोचा कि चलें वीडियो तो बनानी पड़ेगी, और हमारे चैनल पर ज़्यादातर इसी की वीडियोज़ होती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। तो ये देखें हमारी मम्मा पराठे वालों के एक्सप्रेशंस या स्टाइल शायद जो भी है वो देते हुए नाश्ता तैयार कर रही हैं। ये हमारा पराठा भाई बन भी गया, ये देखें। पापा को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब अंडा पराठा, तो इसलिए मम्मा जो है वो पापा के लिए अंडा पराठा बना रही हैं। हम लोग तो ऐसे कुछ भी खा लेते हैं, और सुबह तो नाश्ता किया भी नहीं जाता, तो इसलिए ब्रेड हल्का सा नाश्ता कर लेते हैं। और ये पापा का नाश्ता बन गया है, और पापा भी नाश्ता करेंगे, और फिर हम भी नाश्ता करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आप लोगों ने नाश्ता कर लिया या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Approximately 10 hours later. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताशा तौहीद मस्ती चैनल। मैं हूं ताशा। मैं हूं भाई हुसैन परेरा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में जो बेल का आइकन है उस पर दबाने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है सैटरडे का दिन, 9 सितंबर। तो आज मेरी बर्थडे है, तो पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो चले देखते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये मेरे शूज़। ये मैं आज पहनी, ये पापा ने मुझे आज नहीं दिया, तो पहले दिया था थोड़ा, तो मैंने इसको पहना ही नहीं था, तो ये नए रखे हुए थे, तो मैं ये आज पहना। और आज पापा ने मुझे जो गिफ्ट दिया है ना, वो ये मैं आपको मुझे दिखाऊँ जो आज खास आपको बर्थडे पे मिला है, वो ये है। ये स्कर्ट है, मैंने पहले कभी भी स्कर्ट नहीं पहना है, तो ये स्कर्ट है। और स्कर्ट के साथ ये टी शर्ट, इसको मैं आज नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मुझे आज ही मिला है, और आज मैं इसको पहनना नहीं चाह रही हूँ। मैं इसको फिर किसी और फंक्शन में पहनूंगी, आज मैं ये पहनूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे घर में आगे बहुत सारी शादियाँ वादे आने वाली हैं, बहुत सारे फंक्शन है, तो अब मैं पहनूंगी। और मम्मा पापा की एनिवर्सरी के लिए पहन सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं मेरे पहनने के लिए। और ये जो सूट है ना, ये मम्मा ने सॉरी पापा ने मुझे जब ये शूज़ दिलाए थे उसके साथ दिलाया था। तो ये सूट मैंने किस लिए लिया था, पापा के ऑफिस में जो 14 अगस्त का फंक्शन होता है ना, ये मैंने उसके लिए लिया था। लेकिन हम लोग वहाँ पर जा ही नहीं सके थे, और हमारे घर में मेहमान आने थे, तो इसलिए पापा गए थे सिर्फ, और मैं वहाँ की वीडियो भी नहीं बना सकी, तो इसलिए ये रखा ही रह गया। तो मैंने सोचा कि आज इसको पहन ही लेते हैं। तो ये देखिए ये शर्ट, और ये इसके साथ पैंट, वो शूज़। वैसे हम इसको ऐसे ही पहन सकते हैं कि इस पैंट के साथ मैंने ये वाली शर्ट पहनी, टी शर्ट, और उसके ऊपर ये वाली मैंने शर्ट पहन ली, मतलब बिना बटन लगाए। और वैसे ये ना ये शर्ट और पैंट हटाना, हटाओ इधर करो, रुको। हाँ ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये देखे, ये तो इसके साथ मैच हो गया, और ये इसके साथ कितना मैच हो रहा है। मेरे दो नाइट सूट बन गए, तीन हो गए। लेकिन मैं अभी इसको ऐसे ही पहनने वाली हूँ, ये जैसे है। हाँ इसको पहनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 और अभी मैं इसके साथ एक अच्छा सा अपना स्कार्फ मैच कर लूंगी, पट्टा, या फिर मैं ब्लैक पहन लूंगी। अब मैं इस प्रिंट का कोई मेरे पास रखा हुआ है, मेरे पास 14 अगस्त वाले नहीं पहना था। और फिर हम कहाँ जाएंगे आपको जाते जाते दिखाएंगे। तो भाई कैसी लग रही हो, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और विश करें कमेंट में मुझे, विश भी करें मुझे कमेंट में। और ये आज मैंने फोन, मुझे पोनी नहीं पसंद, मतलब कि पोनी पसंद है, बहुत पसंद है, छोटे वाले में ये छोटे बच्चे वाली पोनी लगती है कोई भी। लेकिन खैर अब इतने बड़े तो हो गए कि पोनी बन जाती है, अभी थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना फिर सही हो जाएंगे, फिर पोनी बनने में टेंशन नहीं होगी। क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे वाले हेयर स्टाइल भी नहीं पसंद,
नहीं कोई नहीं, छोटे अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब कहाँ जा रही हो? वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला दुपट्टा पहनूं, ये मैंने 14 में पहना था, थोड़ी देर के लिए किया था। ये पहन सकते हैं? पहनो। कैसे पहनूं? ऐसे पहनूं? ऐसे पहनूं? भी पहन सकते हैं और पहन सकते और फ्लावर। हाँ यूँ ही अच्छा लग रहा है। जब मुझे आई फ्लू हुआ था ना तो मतलब आके तो अजीब सी हो गई थी, मोटी मोटी और दिख भी नहीं रहा था। तो जब मुझे जाना था तो बाकी बच्चों को भी हो जाता है ना, मतलब ऐसे देखो तो आई फ्लू में हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये ग्लासेस बनवाए थे। उर्दू में क्या कहते हैं आई फ्लू को? चश्मे आशो आशो वे चश्मा मसीह नाम है उसका। तो ये नजर का चश्मा है, ये मैंने घर बैठे बैठे जो ना ऑनलाइन बनवाया था मेरी खाला से, उनको बोला था, मैंने अपना बनवाया था, उनको भी हो गया था, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने अपने लिए भी बनवा लिया। और ये मैंने मतलब अपनी ईदी के पैसे से बनवाया, और अभी धूप भी काफ़ी हो रही है तो हो सकता है मैं इसको बाहर पहन के चली जाऊँगी। ब्राउन ब्राउन हो गया, मेरे शर्ट के बटन भी ब्राउन है उससे मैच। फाइनल लुक, अब बाहर चलते हैं भाई, बहुत जल्दी हो गया। ये कोई अजीज भट्टी पार्क है? पता नहीं, खैर कौन सा पार्क है। इसके सामने ये कैंसर हॉस्पिटल भी दिख रहा है, कोई फाउंडेशन है पत्नी हॉस्पिटल। वो सामने जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, बस वही एक अच्छी जगह है यहाँ पे चाय लवर्स के लिए, हम जैसे लोग। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ लाइट्स इतनी बड़ी बड़ी लगी है लेकिन लाइट का कुछ नहीं पता, बिल्कुल अंधेरा है। हम लोग यहाँ पे गलती से आ गए, गलती से आ गए, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक, यही सामने पार्क दिखा तो यहाँ आ गए, और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखें, नहीं नहीं मैं दिखा रही हूँ ना, ये देखें कुछ भी नहीं दिख रहा, दूर दूर सब अंधेरा। हाँ खा ले, नहीं वो आंखों में पड़ता है यार। ये हमारे बच्चे अपने खाने पीने की चीज़ें लाए, एहराम ढूंढ रही हैं अपनी पसंद का कुछ। क्या ढूंढ रही हो? मिल गया, ये खाओगी? खा लो। ये रही निताशा जिनका बर्थडे है, वेरी बैड, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, कुछ है तो नहीं यहाँ पे, और फिर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा दिखाने का वो चलो भाई इन दोनों को भी खिलाओ। ये लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं सबसे बड़ा हमारा। अरे इतना बड़ा, कम करो कम करो। मैं तो कर
ये देखें जी, माशाल्लाह से निताशा ने अपनी बर्थडे का केक जो है वो लोगों के साथ अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है ये सोच अच्छी है। अल्लाह आपको और देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे इसके बाद। केक भी बहुत मज़े का है, पता नहीं कौन सा फ्लेवर, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, अच्छा आई थिंक कोकोनट है। अच्छा अच्छा जी, हमने केक खा लिया और बाट भी दिया, थोड़ा सा घर के लिए रखा है, लेके जाएंगे। और यहाँ लड़ाई हो रही है, आखिरी ने वाला कौन खाएगा, हराम जीत गई। अंकल जी आ गए, गरम है गरम। देखिए भैया, हमारे पिज़्ज़ा आ गए, एक है फजीता और एक क्या था, मलाई मंच। इसको टेस्ट करके बताएंगे कैसा है, अभी तो बहुत ही गर्म हो रहा है, बहुत ही गर्म है, बहुत ही मज़ेदार है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। टिक्का तो बहुत दफ़ा ट्राई किया, मलाई को ट्राई किया, हमारा फजीता वाला। जी तो हमारा पिज़्ज़ा तो बहुत मज़े का था और हमने खा लिया, हमें बहुत अच्छा लगा पिज़्ज़ा यहाँ का। आप लोगों को रेकमेंडेड है हमारी तरफ से, आप लोग यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर करिएगा। तो बस मेरी बर्थडे हो गई और बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, बस वहाँ पे हमारा सारा जो प्लान था ना वो चौपट हो गया था, वरना हमने जाना था पार्क, वहाँ पे घूमना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।